ये सेफ्टी श्रृंखला सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देना है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कतई नहीं है। फिल्मांकन के दृष्टिकोण से इसमें नाट्य रूपांतरण किया गया है। गुड मॉर्निंग साथियों, और क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है सर। कल हमने जो काम किया है उस पे आज हम लोग बातचीत करते हैं। पहले ये बताइए, कल किसी को चोट वगैरह लगा? नहीं। बहुत अच्छा। जब जॉब पे जाएंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव आइसोलेशन होगा, यहाँ से क्लियरेंस होगा, ताला लगेगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है? जी। जिसका जो जहाँ पर काम है सब लोग वहीं पर काम करेंगे, तो अब काम चालू करें। हाँ सर, जी सर, हाँ सर। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। आज तो बहुत सारा काम है, रोजे काम करते हैं यार, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही सारा काम खत्म करना है। सेफ्टी का नियम कानून पता है सब कुछ, बोके हैं क्या? सब पता है कानून मेरे को, रोज एक के बाद इतना काम करते हैं। फिर भी 12 साल से काम कर रहे हैं अनिल, कभी कुछ गलती हुआ है क्या? अच्छा, अनिल काम करने चलना है। कहाँ? बेफ क्रेन में। लेकिन वहाँ तो कोई काम नहीं है। जरूरी काम है, खाना खा लिया ना? ठीक है, चलिए चलना है। कौर जिंदगी ने अपना दामन समेटकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कृपानंद, जो एक मेहनती कामगार और सुरक्षा नियमों का पालन करने वाला एक आदर्श मजदूर था, वो पिछले 12 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था, लेकिन 9 अगस्त 2018 को न जाने क्यों उसने बैफ की तरफ जाने के लिए सेफ रास्ता छोड़कर चलती हुई क्रेन से शॉर्टकट लिया। अपने वर्क प्लेस में सालों काम करते रहने के दौरान हम में से कई लोग कुछ न कुछ अनसेफ आदतें अपना ही लेते हैं, लेकिन क्या ये मौत सिर्फ कृपानंद की थी? सुनिए जी, आशीष कब से रट लगा रहा है फुटबॉल लेने के लिए? आज शाम को आकर उसको बाजार लेकर जाइएगा। ठीक है बाबा, शाम को बाजार ले जाएंगे। ये बात ना मुझसे नहीं, उसको जाकर कहिए। कहाँ है वो? कहाँ बाहर बैठा है मुँह फुला के? ठीक। और एक बात, आते समय आलू लेकर आइएगा। ठीक है बाबा। क्या बात है अंजलि, आज कोई बहुत गुस्से में है? आज लगता है ज्वालामुखी फटने ही वाले है। क्या हुआ बेटा? तेरी माँ कह रही थी तू बड़ा नाराज है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा है ना, शाम को तुम्हारा फुटबॉल लेने चलेंगे, ठीक है? शाम को तैयार रहना। पापा, हम और अंजलि भी जाएंगे। क्या करेगी? पापा चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा, झुमके भी दिला दीजिए, सूट लेना है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम लोग सब शाम को तैयार रहना, बाजार जाएंगे और साथ में चौबीन भी खाएंगे। क्या चीज का इतना हल्ला चल रहा है तुम लोग का? मम्मी पापा बोले ना, शाम को मार्केट लेके जाएंगे, फुटबॉल दिलाएंगे और चौमिन भी खिलाएंगे। और मेरे को सूट और मुझे झुमके। वाह, वो सब कुछ नहीं चलेगा, चलो अपने जाके कॉलेज का तैयारी करो। और तुम जाके तुम नहाओ अपना, और आप तो बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं। अरे क्या करेंगे आशा, हम लोग किसके लिए कमाते हैं? बच्चे लोग के लिए ना, बच्चा लोग खुश तो हम लोग अपने खुश, ठीक है ना? अभी आप टिफिन लीजिए और ड्यूटी के लिए निकलिए। हाँ ठीक। पापा जल्दी आइएगा। ठीक है बेटा।
कृपानंद के घर वालों को क्या पता था कि वो कृपानंद को आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं? उनके बच्चों को क्या पता था कि उनके पापा अब कभी लौटकर घर नहीं आने वाले? कृपानंद एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता और इस पूरे परिवार का एकमात्र सहारा आज उन सब से अंतिम विदाई ले रहा है। मौत सिर्फ कृपानंद की नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ उसके परिवार के सपनों और उम्मीदों की भी मौत हो गई। काश कृपानंद ने सही सुरक्षा नियमों का पालन किया होता, काश उसने चलती क्रेन से उतरने की गलती न की होती, काश उसने सेफ रास्ता चुना होता, तो शायद आज जिन आंखों में गम के आंसू हैं, उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान है। जिंदगी जीने के लिए होती है, ना कि इस तरह की गलतियों से खत्म करने के लिए। आपका काम आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि उनकी आंखों में आंसू लाने के लिए। ना कहने की आदत कभी कभी आपके जीवन को बचा सकती है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें। किसी के भी कहने पर उस जगह कभी न जाएं जहां पर आपका काम नहीं है। चलती हुई क्रेन में ना चढ़ें और ना ही उतरें। क्रेन में चढ़ने से पहले ऑपरेटर को इन्फॉर्म करने के लिए बेल दबाएं और सेफ्टी स्विच काट कर ही क्रेन पर चढ़ें। कहीं भी आने जाने के लिए जो रास्ता है उसी का इस्तेमाल करें, शॉर्टकट का इस्तेमाल कभी ना करें। हमें अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए और सेफ्टी के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। किसी एक की गलती सभी के लिए सबक। इसी मूल मंत्र के साथ आज मैं विवेक उपाध्याय आप सभी से विदा लेता हूँ। सुरक्षा नियम अपनाएं, सुरक्षित जीवन बिताएं। बी अलर्ट, बी सेफ।